श्री महान जिला विद्यालय जनपद अम्बेडकर नगर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से कार्य शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान करते हैं। महोदय, आपको पुनः अवगत कराना है कि आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से कार्य शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का माह मई और जून का वेतन अभी तक दे नहीं हुआ, जिससे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अतः इस समस्या को देखते हुए पूर्व में माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दिनांक 13/6/2022, 1/6/2022, 27/6/2022, 30/6/2022 आपसे मिला और ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया, परंतु अभी तक समस्या यथावत बनी हुई है, जिससे प्रतीत होता है कि शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश से आप वाकिफ नहीं है, जिससे आपको अवगत कराने के पश्चात भी ठोस निर्णय न लेकर विगत 2 माह का वेतन भुगतान करने में विलम्ब किया जा रहा है। अतः वेतन के अभाव में आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों में आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। माध्यमिक शिक्षक संघ उससे आपको पुनः अवगत कराता है, आप द्वारा अतिशीघ्र वेतन भुगतान की अपेक्षा करता है, अन्यथा की स्थिति में संगठन अपने सदस्यों में व्यापक असंतोष को देखते हुए अतिशीघ्र धरना प्रदर्शन एवं बाध्य होगा। यही सब जारी करें और प्रधानाचार्य वेतन बिल न प्रस्तुत करें। कोई कड़ा पत्र से जाना होगा। 2 महीना हो गया वेतन बिल प्रस्तुत नहीं है, ज्ञापन दे रहे हैं, बात कर आप कुछ लेटर जारी कर सकते हैं हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए। हमारे और आपके बीच में हमारे आप जिले के अभिभावक और हम आपके जो समझ लीजिए एक प्रकार से आपके अंदर में नौकरी कर रहे हैं, हमारे आपके बीच में पुलिस आ गई, बहुत ही दुखद पहली बात ये है। एक बार शांत रही, पहली बात ये दुखद है, हम लोग लिखे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, कभी कोई भी मतलब कि डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन कभी कुछ नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, कभी कुछ भी ऐसी कोई बात अगर आपके साथ हुई हो तो आप बताइए, कभी हार्ट अटैक हुई है। दूसरी बात सर, जो आपने लेटर जारी किया, उस लेटर में आपने लिखा है कि समस्त प्रबंधक और प्रधानाचार्य उसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्म में वेतन बिल प्रस्तुत करें, नहीं आपने आदेश जारी किया है, जब उस वेतन नहीं ठीक है वो तो ठीक है वही चीज, लेकिन उसमें बात करने व्याख्या शासन से नहीं की गई, कोई लेटर नहीं जारी किया गया, आपके द्वारा कोई व्याख्या उसकी करके जो है कोई लेटर जारी नहीं किया गया, तो क्या प्रबंधक और प्रधानाचार्य उसकी व्याख्या करने में सक्षम है, या उसकी व्याख्या करके वेतन बिल प्रस्तुत करने में सक्षम है? जी सर, एक सारी बात कहेंगे तो विद्यालय का जो माहौल है बहुत खराब है, तो इसके आदेश को आप नहीं समझते हैं क्या? हमने कहा हम तो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रधानाचार्य और मैनेजर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि चले जाएं लखनऊ हाईकोर्ट, पास में ही है, वो वहाँ राय ले लें वकीलों से मिलके कि कोर्ट का आदेश है वो व्यक्ति विशेष के लिए डिवाइस के लिए नहीं है, वो शासन के लिए भी है, विभाग के लिए भी है, और अगर ठीक है अगर उसका अनुपालन नहीं होगा तो अगले महीने कंटेम्प्ट आएगा, कंटेम्प्ट का जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारा केवल यही है, कहना यही है, आप पुलिस की बात कर रहे थे, जी सर, तदर्थ 2 बार आ चुके हैं, 2-3 बार 50-50, 60-60 की संख्या में आए हैं, उन्होंने कार्यालय में अभद्रता की है, हमारे जो सहयोगी लोग हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है, तिवारी जी के साथ दुर्व्यवहार किया, वो 4-5 दिन छुट्टी लेके बैठ गए, जानकारी को आप लोगों का संपर्क हुआ।